वेलकम टू टेक्निकल शीजा। आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही जबरदस्त चीज के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहूंगी। यूट्यूबर की जिंदगी में जो सबसे अहम चीज होती है ना, वो होता है उसका माइक। अगर तो उसका माइक ठीक है, उसकी वॉइस क्लियर आ रही है, तब तो वो अपने व्यूवर से अच्छे से कनेक्ट हो पाएगा। लेकिन उसके माइक के पीछे से खड़खड़ आ रही है या कुछ आवाज आ रही है या उसका माइक ही ठीक नहीं है, तो फिर वो ना तो ठीक से बोल पाएगा और ना ही उसके व्यूवर्स उसको सुन पाएंगे। क्योंकि बिलीव मी, माइक की प्रॉब्लम बहुत इरिटेट करती है। इसके बाद जो माइक आप दराज से परचेज करते हो या फिर आप शॉप से जाके लेते हो 1000 का 2000 का, वो माइक कभी भी आपके मोबाइल के माइक के साथ कंपेयर नहीं हो सकते। अब आप बोलोगे कि मोबाइल पर तो मैंने रिकॉर्डिंग करके देखी है, वो तो अच्छी नहीं आती है। ऑब्वियसली वो अच्छी नहीं आती है, क्योंकि जो मोबाइल में इनपुट ऐप होता है, जो ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, वो बहुत ही बेकार होता है। अब मैं आपको ये बता दूं, अगर आपका स्टार्टअप है तो मैं आपको 1000% यही बोलूंगी कि आप अपने माइक से ही, मोबाइल के माइक से ही रिकॉर्डिंग करो। कोई माइक परचेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी वो खराब हो जाता है, कभी वो गुम हो जाता है, कभी उसकी वायर टेढ़ी हो जाती है, कभी उसके ऊपर वाला हिस्सा जो है वो पता नहीं कहाँ चला जाता है, और फिर उसकी आवाज जो है ना बड़ी बेकार सी हो जाती है। इन शॉर्ट 2-3 माह के अंदर ये माइक जो है वो ऊपर चला जाता है। अच्छा, तो अभी हमें क्या करना चाहिए? अगर तो आप एक प्रोफेशनल यूट्यूबर हो, अगर आपको यूट्यूब से वाकई ही इतना पैसा आ रहा है, तो फिर आप ये कर सकते हो कि अगर आपका चैनल चल रहा है या आप देख रहे हो कि नेक्स्ट मेरा चैनल 100% चलेगा, तो या तो आप ये कर सकते हो कि 10,000 से लेके 20,000 या 1 लाख तक भी माइक आते हैं प्रोफेशनल सिंगिंग के लिए, या फिर प्रोफेशनली यूट्यूब को वीडियो बनाने के लिए। लेकिन अब हर कोई जो है इसको अफोर्ड नहीं कर सकता ऑब्वियसली, तो फिर आपकी बहन है ना आपके पास। अब क्या कि दो बहुत ही बेहतरीन ऐप है, लेकिन उनको बताने से पहले मैं आपको कुछ चीजें जो है वो बताना चाहूंगी। अगर आपके पास कंप्यूटर है और अगर आपके पास हेडफोन है, तो हेडफोन से भी काफी अच्छी रिकॉर्डिंग हो सकती है अगर उसमें माइक इनपुट है तो मैं कभी कभी उससे भी कर लेती हूँ। लेकिन मोस्टली मेरी रिकॉर्डिंग्स जो होती है मैं इन्हीं दो ऐप से कर रही हूँ, और आप मेरी पिछली वीडियोस जाके देख सकते हैं। दरअसल हुआ ये था कि मेरा माइक जो है वो मैं परचेज करती थी, खराब हो जाता था, तो मैंने तंग आके मैंने कहा कि इसके लिए कोई ना कोई अच्छी चीज होनी चाहिए। मैंने माइक के बिना वीडियोज बनाना शुरू की, लेकिन बहुत ज्यादा शोर आता था, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं, जब हम मोबाइल में वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं तो वॉइस एडिटिंग क्यों नहीं। और इसी को लेके चलते हुए मुझे दो ऐप मिले जो कि बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको हर 2-3 महीने बाद 1000 या 500 खर्चने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली ये करो, अपने मोबाइल जो है ना, आपको मैं तस्वीरें शो कर दूंगी कि अपना मोबाइल आपने बिल्कुल सीधा ऐसे मुंह के पास माइक नहीं रखना, ठीक है? क्योंकि उससे क्या होगा, उससे हवा भी माइक के अंदर जा रही है, आवाज भी माइक के अंदर जा रही है। मोबाइल को आप ऐसे पकड़ो जैसे आप फोन सुनते हो ना, वो मोबाइल को पकड़ने का बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। उससे हवा जो है सामने की तरफ चली जाएगी और वॉइस जो है वो मोबाइल कैच कर लेगा। इसके अलावा आप ये कर सकते हो कि जरूरी नहीं है कि चलो आप कान पे लगाओ, लेकिन मोबाइल को वैसे ही साइड पे रख के, ठीक है, तो इस तरह से कर लो ताकि आपकी वॉइस जो है वो मोबाइल कैच कर ले, जबकि आपके मुंह से निकलने वाली जो हवा है ना वो सामने की तरफ चली जाए। अब ये तो होगी आपके माइक पकड़ने की बात, अब आते हैं हम उन दो ऐप की तरफ। उनमें से सबसे पहले है रेक फोक 2। अब इसको हम क्या करेंगे, प्ले स्टोर पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। जैसे आप इसको ऐप को ओपन करोगे ना, तो आपके पास कुछ इस तरह से शो होगा। यहाँ पर जो नीचे माइक है रेड कलर का, आप इसको प्रेस करो, यहाँ से आपकी ऑडियो स्टार्ट हो जाएगी रिकॉर्ड करना। यहाँ पर जो सबसे नीचे आप देखोगे कि ब्लू कलर की एक लाइन बनी हुई है, वो लाइन जो है वो सिलेक्ट करेगी कि आपको बहुत ज्यादा ऊंचा बोलना है, नॉर्मल बोलना है, या बहुत नीचे रख के बोलना है। लाइक अगर आप किसी शोर वाली जगह पे रहते हो तो मोबाइल को बिल्कुल अपने होंठों के पास रख लो और फिर आप मोबाइल में रिकॉर्डिंग करो, या आसपास के तमाम तर वॉइस को कैंसिल कर देगा और सिर्फ आपकी वॉइस को डिटेक्ट करेगा। लेकिन इसके अलावा अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि आप थोड़ा आहिस्ता बोलते हो, तो फिर आप ऊंची आवाज़ वाला ट्राई कर लेना। मुझे फॉर्चुनेटली दोनों ही प्रॉब्लम नहीं है, ना तो मैं बहुत आहिस्ता बोलती हूँ ना ही ऊंचा, और मेरे पास यहाँ वहाँ पे शोर भी नहीं आता, तो मेरे लिए नॉर्मल वाला जो है वो एकदम परफेक्ट है। जैसे आप पोज करोगे ये सेव हो जाएगा।
अच्छा, जैसे आप मोबाइल पे कैमरा से तो वीडियो बना लेते हो, लेकिन एडिटिंग तो आप किसी सॉफ्टवेयर पे करते हो, काइन मास्टर, पावर प्रो, ऐसे फाइनल कट प्रो, यानी कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनपे आप एडिटिंग करते हो। लेकिन वॉइस के बारे में अक्सर यूट्यूबर्स बहुत पीछे रह जाते हैं और उसके बारे में कुछ भी नहीं करते हैं, तो उनके लिए ये है कि आप रेक फोर्ट टू से आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर लो, लेकिन जब आप एडिटिंग करते हो तो अपनी वॉइस की भी एडिटिंग किया करो। बहुत ही जबरदस्त लेक्सस ऑडियो एडिटर, इसको अब मैं ओपन करूंगी। आप देख सकते हो कि इतना जबरदस्त ऐप है ना, मैं इसको अभी भी यूज कर रही थी थोड़े टाइम पहले। यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा ओपन का, आपने इस पे प्रेस करना है, ये आपको डायरेक्ट आपकी ऑडियो फाइल रेकफोर्स 2 में ले जाएगा। अब यहां से मैं एक ऑडियो उठाऊंगी। अभी ये ऑडियो बिल्कुल ठीक है, हम तेरे बिन अब रह अभी आपको आवाज आ रही होगी, ठीक है। अभी मुझे तेरे बिन, यहां से इसको पॉज कर देते हैं, ठीक है। अभी मुझे पता है इसमें क्या चाहिए, यहाँ पर एक थोड़ा सा, एक तो इस ऑडियो में साफ आ रहा है, ठीक है, दूसरा इस ऑडियो में क्या हो रहा है कि एक जगह पे गलती है। अभी वो हम एडिटिंग करके निकाल सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपके पीछे ज्यादा सारी वॉइसेस आ रही है तो ये ऐप उसके लिए बहुत जबरदस्त है। अब यहाँ पर थोड़ा सा सांस आ रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, यहां तक इसको रख के पहले इसको इधर से ब्लॉक को प्रेस कर लेना, ठीक है। अभी यहाँ पर थ्री डॉट है, इसको प्रेस करो और यहाँ पर इफेक्ट्स में आओ। इफेक्ट्स में आकर आपके पास यहाँ पर बहुत ज्यादा ऑप्शन है, नॉर्मलाइज, रिवर्स, चेंज पिच, चेंज टेम्पो, चेंज स्पीड, नॉइस रिडक्शन, कंप्रेसर, और काफी ज्यादा ऑप्शन है, आप सबको ट्राई करके देख सकते हो। और यहाँ पर आकर मैं इसको नॉइस रिडक्शन पे रख दूंगी। देखो इन्होंने पहले ही आपको वो ऑप्शन दिया हुआ है कि आप इधर इधर रख लो, आपको आपके लिए बहुत परफेक्ट रहेगा, लेकिन फिर भी आप इसको मैन्युअली करना चाहो तो आप कर। और यहाँ पर इसका नॉइस रिडक्शन बहुत ज्यादा कम हो गया, अभी आसपास की नॉइसेस भी नहीं आएंगी, और जो गाने के टाइम या बात करने के टाइम ऐसे सांस लेते ना, ये भी नहीं आएगा। अभी हम इसको सुन लेते हैं एक दफा। और ये यहाँ पर नहीं आया। तेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर गा। गाना भी आपने सुना है कि काफी ज्यादा क्लियर हो चुका है। अब यहाँ से चाहो तो इसको सेव कर लो, यहाँ पर सेव, यस। तो इस तरह से आपकी ऑडियोस बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह हो जाएगी। 1,000-2,000 का माइक खर्चने के बजाय आप अपने मोबाइल का माइक यूज करो, बहुत ही जबरदस्त है। अगर आपका YouTube चैनल चल जाता है और आपको वो इतने पैसे दे रहा है कि आप 10,000, 20,000, 50,000 या 1,00,000 वाला माइक परचेज कर सकते हो, तो फिर ही आप माइक परचेज करो, वरना इतनी जल्दी YouTube के ऊपर इन्वेस्ट मत करो।